भाजपा की कठपुतली बनना बंद करो। आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग को लेकर निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यालय निर्वाचन भवन जम्मू के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हर्षदेव सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से अपनी सत्ता चला रही है और वह नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हैं और वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी चुनी हुई सरकार बने। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अपनी हार से डरती है और इसलिए वह जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाना चाहती। हर्षदेव ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को बहाल किया जाए और यहाँ भी चुनाव होने चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में हो रहे हैं। चार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रॉक्सी रूल चला रही है, चोर दरवाजे से यहाँ हुकूमत चलाई जा रही है, अपने चहेते अफसरों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। बाहर से ऑफिसर लाए गए हैं, बिहार से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने में वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं और लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, एक भारी गुस्सा है, एक मायूसी है, क्योंकि उनकी समस्याओं को सुनने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर पर जो भर्तियां हो रही हैं, 30-30 लाख रुपए में एक एक नौकरी जम्मू कश्मीर में बिक रही है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को अपने जमहूरी राइट से महरूम कर रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं, इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपने जमहूरी अधिकार दिए जाएं और यहाँ इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आए, ताकि लोग अपनी समस्याएं चुनी हुई सरकार के समक्ष रख सकें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक लूट खसूट की राजनीति कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, उनके अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है, उसी के विरोध में आज हमारा निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराओ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग गठबंधन मुर्दाबाद।